हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर बेस्ट यूट्यूब चैनल। हमारे चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो चलिए आज हम बात कर लेते हैं एक टॉपिक की जिसमें किसी को डाउट है, जिसने मुझे स्पेशल कमेंट किया हुआ है वीडियो के नीचे कि कैसे आप टेबल को एडिट कर सकते हैं, यानी कि अपने खुद के स्टाइल में कैसे इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आज का यही टॉपिक है, तो उसी को मैं आज इस वीडियो में पूरे एक्सप्लेन करूँगा। तो ये यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने टेबल बनाया हुआ है। तो अगर मैं इनको चाहूँ एडिट करना या स्टाइल करना, तो यहाँ से इजीली स्टाइल किया जा सकता है, जैसे कि यहाँ पर कंडीशन फॉर्मेटिंग से। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत सारे ऑप्शन दिए हुए हैं, हाईलाइट, टॉप, बॉटम रूल्स, डाटा बार्स। तो यहाँ पर आप कोई भी अपने स्टाइल के अकॉर्डिंग अपने टेबल को बना सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कैसे होता है। जैसे कि अब मैं देखो, हाईलाइट सेल रूल्स ग्रेटर देन लेस देन, ये तो आपको पता है। अगर मैं इन पर क्लिक करूँगा तो ये उसी को हाईलाइट करने लगा, जैसे मैंने लेस देन पर। ओके, और ये देखिए ये उसी को शो कर रहा है जो लेस देन थे। तो अब हम बात कर लेते हैं ग्रेटर देन की। तो ये अब ये यहाँ से आप कोई दूसरा कलर चूज़ कर सकते हैं। ये देखिए मैंने जैसे येलो कर दिया, तो ये देखिए यहाँ पर आपको जो ग्रेटर देन है वो शो होगा। तो दूसरी चीज़ों के जैसे टॉप 10 आइटम्स, ग्रेटर देन, इन सब के बारे में भी वैसे ही इस्तेमाल किया जा सकता है। जैसे अब मैंने टेबल में एवरेज निकालनी है, तो यहाँ पर मैं ग्रीन कर देता हूँ उसको। तो ये देखिए ये एवरेज है। उसके अलावा अगर फॉर्मेट टेब यहाँ पर कलर स्केल भी दिए हुए हैं, जिससे आप इसको ये देखिए अपने किसी भी स्टाइल में चेंज कर सकते हैं। जैसे कि और भी यहाँ पर ऑप्शन दिए हुए हैं कलर स्केल। अब कलर्स आइकन की बात कर लेते हैं। ये देखिए यहाँ पर बहुत सारे साइन दिए हुए हैं जिनका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं इसको इस्तेमाल करके आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए कैसे हाईलाइट हो रहा है। ये डाटा के ऊपर डिपेंड करता है, तो डाटा को ही हाईलाइट करता है। जैसे कि यहाँ से रेड से शुरू हो रहा है, यहाँ येलो, यहाँ ग्रीन। और अगला जो है आइकन सेट के बाद न्यू रूल्स। तो यहाँ पर आप कोई भी फॉर्मेटिंग सेल के रूल्स इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसा कि आपको दिख रहा है। तो अभी के लिए इसको कैंसिल कर देता हूँ। अगला आपको बता देता हूँ क्लियर रूल्स। तो क्लियर ऑल सिलेक्टेड रूल्स, यहाँ से आप इंटायर शीट वगैरह में कोई भी चेंजेस करना चाहते हैं, क्लियर करना चाहते हैं रूल जो आपने लगाया हुआ है, वो यहाँ से क्लियर भी हो सकता है। ये मैनेज रूल्स, तो यहाँ से आप अपना रूल मैनेज कर सकते हैं। यहाँ पे आप अपनी सेटिंग कर सकते हैं कि आपने डाटा कैसे एंटर करना है और कैसे नहीं। तो अभी के लिए मैं इसको कैंसिल करके ये दिखा देता हूँ कि ये कैसे होता है। तो ये देखिए आप यहाँ से कोई भी साइन चूज़ कर सकते हैं, ग्रेटर देन, लेस देन वैल्यू यहाँ से इजीली सेट कर सकते हैं। और यहाँ पे प्रेजेंट और भी जो स्टाइल आइकन सेट और कंडीशन, रैंक, वैल्यू और भी बहुत सी यहाँ पर जो है रूल्स दिए हुए हैं, जिनके आप से इजीली अपने डाटा या टेबल को फॉर्मेट कर सकते हैं। और उसके अलावा ये देखिए फॉर्मेट एज टेबल, यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत सारे ऑप्शन दिए हुए हैं फॉर्मेटिंग के, जिससे आप अपने टेबल को फॉर्मेट कर सकते हैं बाय चांस। जैसे कि मैं अगर इसको यूज़ करूँ तो यहाँ पर ओके दबाकर, तो ये देखिए ये फॉर्मेटिंग का जो न्यू टेबल टूल है वो ये देखिए बार खोल गया। तो यहाँ से आप अपने टेबल को एडिट भी कर सकते हैं और इसका स्टाइल भी चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर बहुत से स्टाइल्स और कलर्स मिल जाएंगे आपको चेंज करने के लिए और अपने डाटा को रिप्रेजेंट अच्छे से करने के लिए। तो अब आपको समझ आ ही गया होगा कि कैसे आपने डाटा का टेबल का इस्तेमाल करना है और कैसे आपने इसको चेंज करना है। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं दूसरे मेथड्स के बारे में, जिनकी हेल्प से आप अपने टेबल को थोड़ा सा चेंज करके डिफरेंट स्टाइल में एडिट कर सकते हैं। तो उसके लिए ये देखिए यहाँ पर इंसर्ट पर जाकर ये टेबल बटन दिया हुआ, अगर मैं इस पर क्लिक करूँगा और ओके दबाऊँगा तो ये देखिए फिर से वही टेबल टूल की ऑप्शन खुल गई है, जहाँ पर आप इजीली किसी भी स्टाइल में एक्सचेंज कर सकते हैं।
अभी के लिए मैं इसको अंडू करके आपको दूसरा तरीका भी बता देता हूँ, और भी जो बाकी के तरीके हैं जिनसे आप इजीली इसके स्टाइल्स को चेंज कर सकते हैं टेबल के। जैसे कि अगर आप चाहें तो इसका टेक्स्ट का जो साइज़ है उसको बढ़ा सकते हैं, आप चाहें तो इसकी जो ये जो लैंग्वेज है जैसे एरियल बोर्ड मैंने कर दिया या फिर नॉर्मल एरियल कर दिया। तो अभी के लिए मैं इसको नॉर्मल कर देता हूँ एरियल पर। तो अब हम बात कर लेते हैं इसके जो टेक्स्ट का कलर कैसे चेंज करते हैं। तो यहाँ पर ये देखिए, ये है फॉन्ट जो ब्लैक पर सेट है, तो यहाँ से आप इजीली किसी भी कलर में सेट कर सकते हैं। जैसे कि मैंने येलो कर दिया तो ये सारे फॉन्ट ग्रीन कलर के हो जाएंगे। और अगर मैं यहीं से और भी ऑप्शन कलर कोई पैनल स्टार्ट सोच चेंज करना चाहूँ तो यहाँ से इजीली चेंज भी कर सकता हूँ। देखिए ये इसी तरह आप इसको चेंज कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आप टेबल में कोई कलर फिल करना चाहें तो ये देखिए यहाँ पर टेबल में भी अपना कोई भी कलर फिल कर सकते हैं। तो ये अभी ये ठीक से हाईलाइट नहीं कर रहा, तो कोई अच्छा सा कलर और चूज़ कर लेते हैं। तो ये देख सकते हैं आप कैसे आप अपने टेबल का बैकग्राउंड कलर और स्टाइल चेंज कर सकते हैं। अभी के लिए मैं इसको ब्लैक करके, ये देखिए अब आप देख सकते हैं कैसे इसका टेक्स्ट स्टाइल और कलर चेंज हो चुका है। उसके अलावा आप अपने टेबल में बॉर्डर भी लगा सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर बहुत सारे डिज़ाइन दिए हुए हैं। थिक बॉर्डर पर अगर मैं क्लिक करूँगा तो ये देखिए यहाँ पर आउटसाइडिंग बॉर्डर लग गया है। और फिर से सिलेक्ट करके कोई अच्छा सा और भी बॉर्डर देख लेते हैं। जैसे कि अगर मैं पूरे ऑल बॉर्डर्स कर दूं तो ये देखिए ये टेबल कंटेंट का स्टाइल थोड़ा अलग हो गया है। अगर मैं यहाँ पर कोई और टेबल कंटेंट डालूँगा तो वो उससे थोड़ा अलग लगेगा। यहाँ से आप इजीली बोल्ड भी कर सकते हैं, इटैलिक में भी कन्वर्ट कर सकते हैं और अंडरलाइन भी कर सकते हैं डाटा को स्पेशल, जो आपको डाटा कुछ अलग सा स्टाइल में। उसके साथ साथ आप चाहें तो यहाँ से आप इजीली टेक्स्ट की अलाइनमेंट एडजस्ट भी कर सकते हैं। जैसे कि अगर मैं इसको सिलेक्ट करूँ तो ये देखिए डाटा अपने आप जो उसमें कंटेंट है वो कैसे चेंज हो रहा है। अगर मैं सेंटर पर करूँ तो आप देख सकते हैं सेंटर चला जाएगा और जस्टिफाई यहाँ से किया जा सकता है। तो अगर आपने मेरे ट्यूटोरियल को देखा होगा तो आपको इजीली ये समझ आ जाएगा कि ये कैसे किया जाता है। उसके साथ अगर आप चाहें तो यहाँ पर देख सकते हैं बॉर्डर के रिलेटेड यहाँ पर सेटिंग दी हुई है। चाहे आप बॉर्डर का कलर यहाँ से टेक्स्ट चेंज भी कर सकते हैं और लाइन का स्टाइल जो है यहाँ से इजीली एडिट भी कर सकते हैं। सो ये था हमारा आज का ट्यूटोरियल, जिसमें मैंने आपको बताया कि आपने कैसे टेबल को सिलेक्ट करके इजीली उसका टेक्स्ट स्टाइल और टेक्सचर कलर किसी भी चीज़ को कैसे चेंज कर सकते हैं और उसको अलग से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। चाहे वो आप कंडीशन फॉर्मेटिंग के थ्रू करो या फॉर्मेट टेबल से करो या फिर आप कलरिंग और फॉन्ट साइज़ और किसी भी चीज़ का इस्तेमाल करके कर सकते हो। तो मुझे पूरी उम्मीद है आपको ये वीडियो हमारा पसंद आया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, और अगर कोई और इंक्वायरी हो क्वेश्चन हो तो प्लीज़ हमारे नीचे इस वीडियो के नीचे कमेंट ज़रूर करिएगा। तो चलिए अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय और थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।